गोमूत्र लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये देखिए भाई, डायरी पर जो मैं दूध लिखू हूँ, अच्छा, वो मेरे को लाइन नहीं दिखा करती भाई, लाइन नहीं दिखा करती वो। मैं अब मतलब पिछले साल मेरा चश्मा उतरा, ये मैंने सूती कपड़ा ले रखा है, कॉटन का जो होता है, हम जो ओढ़ने ओढ़ते हैं इन्हीं में से है ये। अच्छा जी, ठीक है। इसकी 8 तय कर रखी है जी मैंने। 8 तय है? हाँ जी। अच्छा, 8 तय में। अच्छा, कपड़ा सूती ही लेना है इसमें? हाँ जी, सूती होना चाहिए कपड़ा। ठीक है, ये सूती कपड़ा है। हाँ जी, इसकी ये 2 तय होगी। ठीक है, ये 4 होगी। अच्छा, और ये 8 होगी जी। ठीक है। हाँ, कोई भी आप चाय वाला कप ले सको, जो 50 ml का है, मेरे पास ग्लास रखा कांच का, तो मैं यही यूज कर लूंगी। अच्छा, ठीक है। और इसी में से छाना। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें छान लिया आपने? हाँ जी, छान के जरूर लेना चाहिए जी। छानना बहुत जरूरी है। छानने से ना इसमें जो, हाँ, जो कचरा होता है, जो एक आधा बाल जो झड़ जाए है, रूंग जो बोल रहे हैं गाय का, हाँ, 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 वो आपने नुकसान कर देगा। अगर गले में भी रुक जाए, कहीं भी आंत में भी चिप सका है, ये तो बाल ही है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपड़े छान करके फिर उसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, कब करना चाहिए उसके बारे में बताइए? खाली पेट सुबह करना चाहिए जी। अच्छा, सुबह खाली पेट? हाँ, खाली पेट सुबह। कितनी मात्रा लेनी चाहिए इसकी? मतलब एक घूट लो मोटी, 50 ml का है तो उसको मतलब तीसरा हिस्सा कप का, तीसरा हिस्सा इसमें पानी मिला लो, 25 ml, 20-25 ml बस। अच्छा, 20-25 ml। हाँ जी। अच्छा, आपने सेवन किया तो कितना आपको आराम मिला उसके बारे में? पहले दोनों टाइम लिया करती, 4 महीने तक तो मैंने दोनों टाइम लिया। शाम तो भाई गौ माता ने जीवन ही बदल दिया। अच्छा, बिल्कुल। मैं आज बिल्कुल परमात्मा की दया जो इन मखड़ी हूँ, इन्हीं का दिया हुआ मेरा जीवन है, इन्हीं ने मैं स्वस्थ बनाई। और जो मैं काम कर रही हूँ आपने भी देखा होगा, और अब भी दिखाऊंगी और आगे भी, मैं तो इन्हीं का ही है सब कुछ जी। मेरा तो चारों धाम भी है भाई, मेरा मंदिर मस्जिद भगवान सब कुछ मेरा तो यही है। मेरे को तो इनसे ज्यादा इतना प्रेम है, इनसे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ भी मेरे को यू कहना, आपको लाख रुपए दूंगी वहां जाओ, मैं इनका प्रेम नहीं छोड़ सकती भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मा से लगाओ इनके साथ, उनको नहीं भूल सकती।